हेलो एवरीवन, विद्या बालन ने अपना एक ऐसा नाम बना लिया है कि फिल्में उनके नाम पर चलती हैं, वो भी बिना किसी हीरो के चलती हैं। और दर्शकों को लगता है कि अगर फिल्म में विद्या बालन है तो वो कुछ तो अलग और नया करेंगी। 4 साल बाद विद्या थिएटर में लौटी हैं और इस बार विद्या ने ही ऐसा ही कुछ किया है। इस फिल्म को विद्या बालन डायरेक्टर अनु मेनन और प्रोड्यूसर विक्रम मल्होत्रा हिट तिकड़ी ने बनाया है, जो शकुंतला देवी जैसी फिल्म बना चुके हैं। बात करें कहानी की तो ये कहानी एक मर्डर की बिजनेसमैन आशीष कपूर यानी राम कपूर अपने करीबी दोस्तों को अपने बर्थडे की पार्टी में बुलाते हैं। ये पार्टी स्कॉटलैंड में समुद्र के किनारे बने एक विला में है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जो आशीष कपूर का मर्डर हो जाता है। सीबीआई अफसर बनी विद्या बालन यानी मीरा राव इसकी जांच करती हैं और फिर क्या होता है यह तो आपको थिएटर जाकर देखना होगा, क्योंकि मर्डर मिस्ट्री में इससे ज्यादा चीजें नहीं बताई जा सकती। बात करें एक्टिंग की तो विद्या की एक्टिंग हमेशा की तरह अच्छी है। उन्होंने किरदार को अलग तरीके से निभाने की कोशिश की है। यह जासूस हीरोगिरी दिखाता है, लेकिन अलग तरीके से। विद्या ने इसे अपने स्टाइल में निभाया और हर बार की तरह उनके फैंस को यह अंदाज पसंद आएगा। विद्या के लिए ये तो फिल्म देखी ही जा सकती है। राम कपूर का काम ठीक ठाक है। राहुल बोस का किरदार ऐसा लगता है जैसे ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। नीरज कावी, दीपनीता शर्मा, शहाना गोस्वामी, निकी अनेजा, शशांक अरोड़ा सब ने अपने किरदार में अच्छा काम किया है। फेमस यूट्यूबर प्रजक्ता कोहली भी इस फिल्म में एक्टिंग करती दिखी है और उनका काम भी काफी अच्छा है। यह फिल्म आपको कुछ जगह हॉलीवुड की जासूसी फिल्मों का फील देती है। कुछ कुछ सीन्स में फिल्म काफी अच्छी लगती है। कहीं कहीं कहानी कसी हुई लगती है तो कहीं कहीं लगता है मामला ढीला है। स्क्रीन प्ले और कहानी पर मेहनत की जानी चाहिए थी। कुछ कुछ चीजें बचकानी सी भी लगती हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह फिल्म ऐसी है जिसे एक बार तो देख सकते हैं और विद्या बालन के लिए है तो फिल्म जरूर देख सकते हैं। फिल्म की म्यूजिक तो एवरेज ही है और बेहतर भी किया जा सकता था। चलिए इस तरह मेरा रिव्यू, आप बताइए आपने मूवी देखी कि नहीं, और देखी तो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।